एमपी और मैप के साथ राधा सत्य अपडेट की बात करें, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी हां, गुरुवार को प्रदेश में 8074 जांच में 55 नए पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 13 संक्रमित ग्वालियर के हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 16 मरीज भर्ती है, इनमें से 3 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। प्रदेश में अब तक 10,42,124 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 10,31,129 ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,735 की मौत हो चुकी है। गुरुवार को 31 मरीज ठीक हुए हैं, अभी 260 एक्टिव केस है। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, इनमें भोपाल में 8, छतरपुर में 2, दतिया में 3, धार में 2, गुना में 1, ग्वालियर में 13, हरदा में 1, होशंगाबाद में 2, इंदौर में 3, झाबुआ में 1, मुरैना में 3, नीमच में 1, रायसेन में 6, राजगढ़ में 1, रतलाम में 1, सीहोर में 2, टीकमगढ़ में 4, उज्जैन में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो ये था आपका अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।